होंगे जी यहाँ पर, यहाँ पर मैम, यहाँ पे हम लोग क्या मैम, मैम सेंटर, मैम सेंटर, मोबाइल डालता है कैमरा, कैमरा डालता है, देखा करो कैमरा कहाँ लगा है। मैम यहाँ पे, यहाँ पे मैम, थैंक यू। हाय, ये जानना चाहेंगे, जब भी मैच है क्या, ट्रेलर तो हमने देखा लेकिन फिर भी बहुत से सवाल मन में आ रहे हैं, तो आप बताइए। मैं बताऊं, जब भी मैच्ड वो कहानी है जहां पर हम ये देखेंगे कि प्यार पहले कैसे होता था, चिट्ठियों के थ्रू होता था, अब चैट्स के थ्रू होता है, तो वो चैट में क्या होता है, ये कहानी है जब भी मैट मी, जब भी मैट, जब भी मैच की, और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ऐसे मैं फफल जाता हूँ तो यही हो रहा है मेरा। क्यों भाई? बट नहीं, मैं कैरेक्टर में एकदम मैं घुस गया हूँ, मेथड एक्टर हूँ। बट नो, जब भी मैच की जो हमारी कहानी है उसका नाम सिर्फ एक डेट है, और वो एक डेट के बारे में कि एक लड़का और लड़की जब मिलते हैं और तो क्या होता है, और इससे ज़्यादा बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा, बिकॉज बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। चारों स्टोरीज काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, आजकल के डेटिंग के सिचुएशन को दिखाया गया है, लाइक हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम, जैसा कि प्रीत ने कहा, पहले के टाइम्स के, तो वही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देख के। कुछ नया, मैं हमेशा ही कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा कुछ नया करूं, तो इस बार भी कुछ नया है। ज़्यादा मैं आपको अपने कैरेक्टर के बारे में फ़िलहाल बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी बता दिया ना तो पूरा फिर सस्पेंस मर जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। बट आज की लड़की है, आज की दोनों ही, मतलब जैसे आज का माहौल है ना फिलहाल, वैसा ही है सब कुछ। और मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ यार, आजकल लोग सीधे साधे नहीं आते। मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, मैं तो एक्सक्यूज मी, ये जो झूठ है नहीं मेरा। हाँ, शूट के दौरान नहीं नहीं, ही इज़ अ वेरी सिंसियर एक्टर, एंड बस बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ ज़्यादा ही, कई बार तो मैं सोच जाती थी कि मैं बैठी हूँ एंड प्रीत डायरेक्टर सर से कुछ पूछ रहे हैं, मैं आप कब ये लोग स्कूल में questions? वो बच्चा होता है ना जो बिना मतलब, जिसको ये होता है कि होमवर्क मैम मैं करके आया हूँ मैं वो वाला बच्चा था, तो हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है कैरेक्टर के बारे में और जानने की, क्योंकि मेरा प्रोसेस ही यही है कि मैं जितना सवाल पूछता हूँ उतना शायद जानने मिलेगा, एंड उतना मैं भी खुद इन्वॉल्व हो पाऊँगा। और इस शो में, इस जो सिर्फ एक डेट जो कहानी हमारी, उसमें मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, वो आप देखेंगे, और कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा तो सो या, वी आर एक्साइटेड, दिस इज़ अ ग्रेट मैच, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद शिवांगी, मतलब मैं बहुत खुश था कि एक एक फ्रेश पेयरिंग है, हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया से आते हैं, इन्होंने ऑब्वियसली टेलीविजन सुपरस्टार है, मैं फिल्में करता हूँ, मैं ज़्यादातर एड फिल्म्स करता हूँ, और वहाँ से एक अलग मीडियम पे दोनों का साथ आना, एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम शिवांगी, एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम प्रीत, बस यही सुनना था मुझे, थैंक यू सो मच। पूछ रहे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ट्विस्ट हुआ है कि नहीं तुम्हारा? हमारा जो ये शो है जब भी मैच, ये ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर है, और
मैंने कभी वो किया नहीं है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसमें कुछ है नहीं, पर दोस्तों के साथ आई डोंट नो यार, आई थिंक आप ज़्यादा बता दोगे इस बारे में। आई थिंक हम सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पे हमेशा अपना एक बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं, हम असल ज़िंदगी में जैसे होते वो तो बताते नहीं है, चाहे वो नॉर्मल पुराने टाइम में भी जैसे अरेंज मैरिज पे जाते, तो पहली बार जब किसी लड़की या लड़के से आप मिलते हो तो आप हमेशा अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो, लेकिन असलियत कुछ और होती है, यू नो, जब आप साथ में रहने लगते हो, जब वो बोरिंग पल आने लगते हैं, तो आप एक्चुअल में कैसे होते हो, तो वो आपको तो वो ट्विस्ट तो सबको ही मिलता है लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो सब अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन जब अच्छा नहीं होता है तब आपको कौन प्यार करता है, तब आपके साथ कौन खड़ा रहता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये शो में भी आपको कुछ पता चलेगा, जैसे एक बार में कभी आप किसी से मिलते हो और आपको लगता है कि आप इसको सदियों से जानते हो, तो ये मेरे कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर के साथ ऐसे ही कुछ होता है कि हम ये कई डेट्स पर जा चुकी है एज अ कैरेक्टर, और जब वो मुझे मिलती है तो उन्हें लगता है यार कि कुछ कहीं कुछ कनेक्शन है, कुछ बात है, और फिर कहानी आगे बढ़ती है, वरना मैं पूरी कहानी बता दूंगा। बट या सिर्फ एक डेट के बाद शूट के दौरान जो मैंने ये ऑनलाइन डेटिंग एक्सपीरियंस किया, आप ये कह रहे हो? पूरी शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कुछ अलग मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो मुझे पहली बार पता चला कि लोग ऑनलाइन डेट पे अगर जाते हैं तो यू नो कैसे बात करते हैं, कैसे बातें होती हैं एंड ऑल दैट, सो अच्छा था एक्सपीरियंस था, बट ठीक है शूटिंग तक ही ठीक है। मेरा ओवरऑल शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे फ्रॉम प्रीत, फ्रॉम द टीम, एंटायर टीम है, काफ़ी यंग लोगों की टीम है और सभी बहुत अमेजिंग थे, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और या सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जहाँ तक हमारी स्टोरी की बात है, हमारी फिल्म की बात है और ये चारों फिल्म की बात है, इससे भी ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती आपको। That's the suspense, guys. जी जी हाँ, हमें चारों स्टोरीज़ के बारे में पता है और चारों स्टोरीज़ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, पर उन स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा आपको वो लोग खुद बता पाएंगे, तो आप उन्हीं से पूछिए। अरे 100%, बाकी जो तीन स्टोरीज है उनको सुनने के बाद भी मुझे लगा यार मुझे इन सब कहानियों में होना था, एक एक अलग अलग यूनिवर्स में एक कैरेक्टर प्ले करना था, स्पेशली जो अभिषेक वाली जो कहानी, अभिषेक और मयूर जो इनका नाम क्या, एल्गोरिथम, डेटिंग एल्गोरिथम, वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आई वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड विद व्हाट दे हैव क्रिएटेड एंड पर मेरी फेवरेट तो सिर्फ एक डेट ही है। हाँ मेरी बहुत सारी डेट फेवरेट है। नहीं 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 मैं स्टोरी की बात, मैं भी स्टोरी काफ़ी आई थिंक बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, तो अच्छा लग रहा है। अभी आई थिंक हमें टीम भी अमेज़ॉन मिनी की बता रही थी कि रिस्पॉन्स कितना अमेजिंग है, तो वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक तो अमेज़ॉन मिनी टीवी इतना सही ऐप है ना, क्योंकि शॉपिंग ऐप भी होता है और फ्री भी होता है और फ़ोन भी आप देख सकते हो, और इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, सो आई थिंक द ट्रेलर इटसेल्फ वो पूरी जो हमारी चारों कहानी है उसका एक सार है, एंड बहुत क्यूटली प्रेजेंट किया हम सबको, एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड बहुत कम समय में एक कहानी को आपको डिस्प्ले करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है, और टेरिबली टेनी टेल्स हैज़ डन दैट। उनका नाम जो है टेरिबली टेनी टेल्स, उसका मतलब ये है कि छोटे छोटे शब्दों में, कुछ शब्दों में पूरी कहानी बताना, एंड दे हैव डन इट फैंटास्टिकली विद ऑल दीज फोर फिल्म्स ऑल्सो, एंड ट्रेलर को बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इट्स अ कैरेक्टर आई हैव नॉट डन बिफोर, शी इज़ नॉट डन बिफोर, तो और स्पेशली हमारी पेयरिंग को लेकर जो जितने भी लोग हैं, हमारी जो इंस्टाग्राम पे फैमिली है, सोशल मीडिया पे, दे आर लविंग इट एंड वी आर हैप्पी दैट दे आर लविंग इट। आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे प्रीत तो पेप्सी
एड से याद है, तो मुझे था ओह तो पेप्सी का है, लाइक नाइस ओके. पेयरिंग अलग थी तो मुझे भी लगा कुछ अलग करेंगे, अच्छा लगेगा लोगों को, एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को पेयरिंग अच्छी लगती है और ट्रेलर अच्छा लगा. सिर्फ एक डेट, तो डेट तो एक अच्छे से कैफे में, एंड उसके बाद एक और लोकेशन है, बहुत स्पेशल लोकेशन है, लेकिन वो ऑफ कोर्स स्टोरी जब आप देखोगे तो आप पता चलेगा, वरना ज्यादा रिवील हो जाएगा. बॉम्बे में ही शूट, बॉम्बे में शूट किया, बट है हमने दिल्ली दिखाया, पर दिखाया दिल्ली. ओ नो. बताओ. मैं तो बहुत गाने गाता हूँ, जब भी बीच में टाइम मिल जाता है ना, मैं गाना गाना शुरू कर देता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है, तो बाकी सबका भी हो जाता है. तो हम ऐसे बहुत करते थे, मैं गाता था, ये सुनती थी, तो हम सभी सुनते थे. एंड ही इज अ रियली गुड सिंगर, आई मीन यू सिंग वेरी वेल. या मैं तो बड़े प्लान बना रहा हूँ, सामने वाला कोई बोल ही नहीं रहा. हाँ पता है, मैं सबको पूछ चुका हूँ. आई हैव नो प्लान्स. नो no, मैं मतलब मेरी फैमिली है यार, मैं उनके साथ, मैं अपनी मम्मी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने वाली हूँ, तो या आई मीन आई विल टेक हर आउट ऑन अ डेट. या मेरे घर पे चल रहा है वैलेंटाइन, प्रॉपर फॉलो होता है वीक, तो मुझे सुबह रोजेस भी मिले थे कल, आज चॉकलेट्स भी मिली हैं. तो हाँ, मेरे घर पे तो मेरी मम्मा और मेरा इक्वेशन ऐसा है, तो हम दोनों आपस में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरे पापा फिलहाल देहरादून में हैं और मैं हूँ घर पे उनके साथ, तो हम ही एक दूसरे के वैलेंटाइन हैं. मुझे किसी ने नहीं दिया, अगर किसी को देने की इच्छा हो यहाँ पर भी जो मौजूद है वो दे सकते हो. हैं सरप्राइजेज और भी हैं, बहुत जल्दी आपको उनके बारे में भी पता चलेगा. फिलहाल उनके बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मैच आ रहा है तो गाइस मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारी ये फिल्म देखें, और जैसे आपने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, हमारी फिल्म को भी उतना प्यार दें और हमें बताएं आपको कैसी लगी. बस देख लो यार, जाके प्यार व्यार दे दो, और अमेज़न वालों से दरख्वास्त है कि सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे दो हमको, अगर शो अच्छा चले तो. ओह, अमेज़न ऐप के? हाँ हाँ, प्लीज़. जस्ट किडिंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम, एंड आई होप कि हमें जितना मजा आया और जितनी खुशी हुई शो बनाते हुए, आपको भी उतना अच्छा लगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ओके, थैंक यू, पीस आउट. यहाँ पे बाइट करना. हाँ, एकदम आप.
Wow. I'm doing media interviews after. Very long. Me too. I've missed it. Make a photo. Hi. Hello. Thank you so much. So, हमारी स्टोरी का नाम है जल कुकड़े और सस्पेंस हम नहीं बताएंगे. सस्पेंस 10th को एवरीबडी विल वॉच तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी लव स्टोरी का क्या सस्पेंस है एंड व्हाई इज इट कॉल्ड जल कुकड़े. बहुत जले हैं हम पर एनी विच वे ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ. बट यस गाइज जल कुकड़े इज द नेम एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय. सब ने बहुत मेहनत करी है. मतलब जैस्मिन हैज डन अ वेरी गुड जॉब. आई हैव रियली वर्क वेरी हार्ड. एवरीबडी एवरीबडी फ्रॉम द डायरेक्टर्स टू द क्रू एवरीबडी हैज यू नो डन अ ब्रिलियंट जॉब. सो आई रियली होप ऑडियंस एंड आप सबको पसंद आए. Basically, it gives you an insight into how love is these days because of social media and all the platforms and apps we are. So it gives you a glimpse of, you know, what can go wrong, because mostly it goes wrong because virtually anything can be created. और हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके साथ. That's it. That's the max we can like yes. spill it out for you all. So yes. My character is Payal. वो एक यूपी की लड़की है एंड वैसा ही आई हैव ट्राइड दैट एक्सेंट ऑल्सो एंड एवरीथिंग. आई होप इट्स कन्विंसिंग क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पकड़ के वो एक्सेंट वगैरह करने में. एंड हम दोनों की यही स्टोरी है. पायल पायल एंड सनी. सो व्हाट आई एम प्लेइंग इज सनी. सनी इज अ गाय हु इज फ्रॉम कानपुर यूपी. अगेन अ यूपी गाय. व्हाई इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रियांक. हाउ इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रियांक. बिकॉज Priyank is a Delhi kind of the boy, because since main Delhi se, you know, main wahin paida hua, that's my hometown. So mere liye normal Hindi mein baat karna bahut aasan hai, angrezi mein baat karna bahut aasan hai, lekin jab UP aata hai wahan mere liye actually wo meri kabhi strength nahi rahi. So why I'm very nervous also at the same time, because this is something a very different shade of Priyank people will get to see. So quite nervous, but let's see, fingers crossed. जी बोलो भैया बोलो. क्या बोले हम क्या ही बोले. बट भोकाल मचा दे भोकाल मचा दे. लेकिन मैं ये बोलूंगा इधर से पहले ना आप पहले शो देखिएगा. शो में आपको दिखेगा सनी कानपुर वाला कैसे बनता है. मतलब प्रियांक कानपुर वाला कैसा है. इट्स फन. इट्स लाइट हार्टेड. इट गिव्स यू अ ग्लिम्स इन हाउ लव कैन बी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया एंड स्टफ एंड यू विल एंजॉय इट एंड यू विल सी ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस इन वेरी डिफरेंट शेड्स एंड कैरेक्टर्स. बिल्कुल इट्स ऑफ कोर्स आसान नहीं था. बट हमारे जो डायलॉग राइटर है वो हमारे साथ थे पूरा टाइम और वो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे थे. एंड ऑल्सो डिफिकल्टी से ज़्यादा आई थिंक आई गेट अ किक आउट ऑफ डूइंग थिंग्स विच आई हैव नेवर डन एंड आई हैव टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन. सो आई वॉज रियली इंजॉइंग इट कि कुछ डिफरेंट कर रहे हैं मज़ा आ रहा है. यू नो सिंस शी हैज सेड अबाउट कुल्लू. You know, that's his name. हम प्यार से कुल्लू बोलते हैं. खुद अपने आप को प्यार से कुल्लू बुलाते हैं. एंड उन्होंने ही इज डन अ वंडरफुल जॉब विद राइटिंग्स एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज ही हैज बीन देयर थ्रू आउट द शूट. तो कुछ भी रहता था ना बिकॉज वो खुद यूपी कानपुर का है कुल्लू. सो ही हैज दैट यू नो नॉलेज ऑफ हाउ द फ्लेवर ऑफ द कैरेक्टर इज थ्रू आउट. मतलब एंड वी वर फ्री टू इम्प्रोवाइज एंड चेंज. सो इट वाज फन. सो शाउट आउट टू कुल्लू. थैंक्स फॉर मेकिंग इट इजियर. जल कुकड़े का राज यही कि सब अपनी लाइफ में जल कुकड़े होते हैं कहीं ना कहीं. अबे हमारी स्टोरी में कैसे उस जल कुकड़ेपन को यूज किया गया है. मतलब
ये लड़के ही क्यों मतलब फंस जाते हैं धोखा देने में, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आप हमेशा लड़कों को फंसाते हो। लड़के धोखेबाज होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लड़कियाँ होती हैं, इक्वली होती है लड़का लड़की। आप पास की बातें भूल जाएं सारे के सारे, जो हुआ था मेरे साथ 5 साल पहले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट डू वॉच द शो फॉर दिस, कौन धोखेबाज है, लड़के या लड़कियाँ, क्या कहना चाहती है जनता। I think all of them, as I said, that this gives you a glimpse into how love has become during the times of social media. So every story is completely different. और सबको थोड़ा 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 मतलब सब लोग किसी ना किसी स्टोरी से रिलेट करेंगे और कनेक्ट करेंगे, है ना। I think one thing that I would personally like to aware people is on virtual platforms, I think you also need to protect yourself, avoid committing, avoid trusting somebody blindly, because you know good and bad still exist, and it's okay, it's a cool thing to experiment what new is happening, to you know explore the apps and opportunities, but also protecting yourself is very important. So never get carried away and take time to trust and meet people. Yes, that's true. I totally agree to what Jasmine is saying. You know, these days especially the youth has got so influenced with the entire format of dating. Websites. There's nothing wrong, we can use platforms, nothing wrong, but also we need to be protect. Yes, yeah. Be very careful, and this is not just for the girls out there, this is for the men, boys too. Yeah. You know, it's for men and women both. That's just be very wise. It's a great rush of adrenaline. When we feel that adventure is happening, meeting somebody who's new. But just be very, very careful when, like, you need to know that thin line of not crossing where, and just be very protected, like how, you know, Jasmine. Yeah, no matter how much you guys have spoken on the chats, but always take time to build that trust, take it step by step, meet in coffee shops and, you know, publicly. And then once you have that trust, and once you've built that trust, yes, then only yes. take a step Scam forward. Scam se dur rahe. Yeah, like don't just jump into it because of your hormones. See, you can jump also into it is what I feel. कर लो जंप, कोई खराबी नहीं है उसमें, नहीं जंप कर लेकिन ध्यान से कर लो जंप, लेकिन सुरक्षा के साथ, काफी सुरक्षित रहकर। यस, आई नीड टू बी याद है, बिकॉज़ वी ऑलवेज गो टू आवर कॉलेज डेज, स्कूल डेज, ऐसी स्टोरीज जो आपको याद आई हो एंड स्टिल यू रिमेंबर व्हेन इट्स योर लाइफ। नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि ना मेरी लाइफ थोड़ी सैड थी। स्कूल में मेरी दादी और मम्मी टीचर थे, प्रिंसिपल थे, तो स्कूल में वैसे ही कुछ नहीं होता था। कॉलेज टाइम मतलब इतना हार्ड था कि पार्ट टाइम जॉब भी होती थी और चीजें भी होती थी। सो मेरी लाइफ बड़ी मतलब हैपनिंग जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तब से ही, उससे पहले तक वेरी डिसिप्लिन्ड सिंपल लाइफ। मेरा भी मतलब ऐसा नहीं, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एक्सपीरियंसिंग, मतलब मैंने आई हैव नेवर बीन देयर, मैंने कभी कोई डेटिंग ऐप यूज नहीं किया है। I have no idea how this culture works. I am from Gen Y, you can say. Gen Z to nahi hu main, Gen Y bhi karte hain, mere kitne dost hain. But at the same time, I have no clue, but I have seen my friends experiencing also. To kaand to bahut hai yaar. Shuru karenge to fir ye matlab rukunga nahi main fir. Agar main kaand batane lag gaya aise aise to isliye. बाइक चलाने वाला सही पकड़े हैं। मुझे तो बाइक चलानी आती नहीं, और वो सीन था कि मैं सन्नी को पीछे बिठा के फुल घुमा रही हूँ इधर उधर, एंड देन आई वाज सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी बिकॉज़ वो जो बाइक जिससे अटैच किया था ना, उससे वो धूम में ऐसे ऐसे, अब वो शॉर्ट तो नहीं है बट मैंने पूरी अपनी एडवेंचर राइड मचाले चल रहा था, पूरा धूम मचाले की है मैंने। आई थिंक वही बाइक वाला फॉर मी आल्सो दैट ओनली बिकॉज़ जैस्मिन डजंट नो हाउ टू ड्राइव। दो हमारे पास वो थे, सपोर्ट था, बट स्टिल मैं तो पीछे बैठा हूँ। एक सीन में आप देखेंगे मैं पीछे बैठा हूँ, एंड एक्चुअली मुझे रिएक्शन की जरूरत ही नहीं बिकॉज मैं वैसे भी डरा हुआ था, तो मुझे डरना वाला ही रिएक्शन देना था, तो वो ऐसे ही निकल आया, यू नो, इन अ वे इफ यू सी। बट यू आर सेफ। बट आई एम सेफ, बट आई एम सेफ। हाँ 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 जी, हाँ
कोई सिखाने वाला है, कोई सिखाएगा और क्या, एग्जैक्टली सही वो नहीं सिखाता है, अली के पास ही कितनी बाइक्स हैं मुझे पता है, मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ, कोई सिखाने के लिए इंटरेस्टेड है तो अपनी बाइक लेके अपने जिम्मे पे आ जाओ। नहीं 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 आई थिंक वैलेंटाइन डे के लिए यही प्लान है कि लोग हमारी जब भी मैच देखें और इससे कुछ सीखें और वैलेंटाइन डे भी मनाएं, बट टू लर्न फ्रॉम दिस। आई एम वर्किंग, हम मेहनत करने वालों में से हैं। अब मैं उस रास्ते पहले जाके जा चुका हूँ, मैंने बहुत वैलेंटाइन सेलिब्रेट करे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे नहीं टर्न आउट किए मेरे लिए ऑनेस्टली, तो मैंने फिर सोचा जिंदगी में ना ये रास्ता छोड़ देते हैं, एक सिंपल रास्ता अपनाते हैं एंड उसी पे ही जाते हैं, तो मेरा अभी फोकस वही है। वैलेंटाइंस तो हाँ बचपन में हाई स्कूल तक ठीक था, ऑल ऑफ दैट। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए सेलिब्रेशन का, डेफिनेटली एवरीबॉडी शुड सेलिब्रेट। मेरी तो ऐसी कोई फ्रेंड ही नहीं है जिसको मैं, जरूरी थोड़ी कि आप लड़की के साथ मनाओ, आप अपनी फैमिली के साथ भी मना सकते हो, फैमिली के साथ मना सकते हो, फ्रेंड्स के साथ मना सकते हो, जरूरी नहीं है वैलेंटाइन डे लवर्स के बीच में। वैलेंटाइन डे इज अ डे टू सेलिब्रेट लव, यू कैन सेलिब्रेट लव विद एवरीबॉडी। कि अगर हम लड़की के साथ मनाते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, अब लड़के के साथ मनाते हैं तो और बदनाम हो जाते हैं, तो हम नहीं जा सकते, थोड़ा सा इशू है। मम्मी पापा के साथ गए ना, नहीं मानने, इसलिए सेफ, आई थिंक आई एम प्लेइंग सेफ नाउ। या है फॉर श्योर, डन डन, चॉकलेट टेडीज रोजेस और क्या क्या मिलता है चॉकलेट वैलेंटाइन डे के अगले दिन, स्लैप डे भी होता है, वो भी मर के जाएगा। ये मुझे जरूर पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। टू ऑल द व्यूवर्स, बहुत मेहनत करी है सिर्फ हम दोनों ने नहीं, पूरी टीम ने, सब एक्टर्स ने, एंड इट्स समथिंग यू विल रिलेट टू, यू विल हैव फन, छोटा सा है, मजा आएगा, प्लीज देखना, एंड आई एम 100% श्योर यू गाइस विल लव इट। या एंड आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज सी, एंड ऑल द काइंड ऑफ फीडबैक्स आर वेरी ओपन, आई लव यू नो व्हेन पीपल गेट क्रिटिकल अबाउट माय वर्क बिकॉज इट जस्ट टीचेस मी सो मच, आई ऑल इट जस्ट ब्यूटिफुली हेल्प्स मी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो आप प्यार दें, नफरत दें, मैं खुले हाथों से बाहें फैला के आप लोगों का स्वीकार कर दूंगा एक एक चीज। सो थैंक यू, बट आई रियली वांट टू से आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई हैव राइट नाउ। आई हैव नेवर इवन थॉट अबाउट इट, यू नो इट जस्ट फील्स वेरी गुड जब मीडिया को देखते हैं। इट्स बीन अ वाइल आई एम फेसिंग मीडिया, आई वॉज टेलिंग जैस्मिन ऑल्सो कि मुझे तो बहुत टाइम हो गया ऐसे इंटरव्यूज दिए हुए, सो इट्स अ फीलिंग वेर आई फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट this entire thing, it's a high, this is what we live for and this is what we're going to be living and loving for, so thank you so much for the love, thank you. Thank you. ठीक है ठीक है, मैं आज दोनों तरफ से मारे। यस सर, साइलेंस प्लीज एवरीबॉडी, साइलेंस।
अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे सो माई स्टोरी इज़ अबाउट नॉर्मल टीनेज गर्ल जो लखनऊ से है जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू दोज दैट प्यूबर्टी एज दैट एडोलेसेंस कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप एंड उसके दोस्त भी है जो उसको चढ़ा रहे हैं मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दैट गर्ल्स माइंड एंड ऑब्वियसली सिंस शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट फैमिली बैकग्राउंड तो जैसे ही शी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस वो छूट जो मिलता है आई मीन नॉट ओनली हर देर आर सो मेनी अदर किड्स आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स तो इसलिए मैं उस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पा रही थी क्योंकि जिस जब भी ये फाइनल हुआ था कैरेक्टर मैंने सबसे पहले उसको कॉल किया मैंने कहा लिसन आई एम लिटरली प्लेइंग यू दिस हैज़ हैपेंड विद यू द होल स्टोरी हैज़ हैपेंड विद यू एंड देन शी इज़ लाइक लिसन आई एम अ लिटिल हर्ट सो इट्स तो उसको थोड़ा बुरा भी लगा बट इट्स अबाउट दैट इट्स अबाउट अ टीनेज गर्ल फ्रॉम लखनऊ सो वेरी कंजर्वेटिव फैमिली एंड ऑब्वियसली कॉलेज जाती है तो डेटिंग ऐप्स पर भी आ गई है ऑब्वियसली वो तो पता है आपको तो द स्टोरी इज़ अबाउट दैट मतलब मैं ना इतने करीब हूँ बोलने की कि एग्जैक्टली होता क्या बट आई कैन नॉट तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आज पहली बात तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी मैच्ड एंड आई मैच विद द कास्ट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रियली अमेजिंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी टू वर्क विद देम एंड अबाउट जब वी मैच्ड और जो हमारा एपिसोड है डेटिंग एल्गोरिदम इट्स अबाउट टू आई वुड से नर्ड्स बट आई वुड से कि दो ऐसे भोले मासूम प्यारे लड़के पढ़ाकू लड़के जिन्होंने ज़िंदगी में अपना ज़्यादातर समय अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो पढ़ाई को दिया है अपने करियर को दिया है मतलब ये जो एक पार्ट होता है लाइफ का जो एक प्यार होता है रोमांस होता है डेटिंग होता है गर्लफ्रेंड होती है उसको नहीं दिया है सो नाउ दे आर काइंड ऑफ उनका झुकाव उस तरफ बढ़ गया है और अब वो प्लान कर रहे हैं पूरी सीरीज़ में कि हाउ कैन वी फाइंड अ परफेक्ट डेट फॉर आवरसेल्व्स एंड आई ऑनेस्टली लाइक पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देयर फिल्म बिकॉज इन्होंने अब तक मुझे अपना कैरेक्टर नाम नेम भी नहीं बताया दे हैव नॉट टोल्ड मी व्हाट देयर कैरेक्टर नेम इज व्हाट देयर कैरेक्टर इज व्हाट द स्टोरी इज आई हैव नो आइडिया सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर लाइक योर स्टोरी ऑनेस्टली इवन आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जिसमें मैंने रोल प्ले किया है वो भी बहुत मतलब मेरे लिए बहुत डिफरेंट था एंड मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि थैंक्स टू द मेकर्स जो मतलब उन्होंने भरोसा दिखाया मुझ पर कि दैट आई कैन पुल दैट ऑफ और फिर साथ में मिलके मतलब विद आर डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स वी हैव जस्ट वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट सो आई जस्ट होप कि आप सबको वो पसंद आए और पूरी दुआ करते हैं कि ढेर सारा प्यार मिले एक्चुअली हाँ मतलब आई वॉज रिलेटिंग टू अर स्टोरी ऑल्सो बिकॉज जो इसमें मेरा जो रोल था वो आई लाइक आई एम प्लेइंग अ नर्ड एंड लाइक यू नो थोड़ा एक हर स्कूल में हर एक क्लास में ना बहुत तरह तरह के बच्चे होते हैं तो एक बच्चा वैसा भी होता है जो पढ़ाकू होता है एंड उसकी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही उसके सामने होता है और किताबें उसके सामने होती हैं तो हमारे भी लाइक जब मैं अभी कॉलेज में था तो मैंने भी एक बंदे को एक्सपीरियंस किया हुआ है ऐसा सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मैंने इंस्पिरेशन ली है कि एक होता है ना कि मतलब एक नेचुरैलिटी जो होती है बिकॉज समटाइम हम वैसे नहीं होते तो हम रिलेट नहीं करते पर वैसे लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो ली है बट लेट्स सी अभी कितनी इंस्पिरेशन हावी हो पाई है मुझ पर काफ़ी प्यारे रिएक्शंस मिले लाइक पीपल आर मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम सेइंग कि द ट्रेलर लुक्स गुड सो मेनी डिफरेंट स्टोरीज रिवॉल्विंग ऑन द सेम टॉपिक एंड एवरीथिंग I mean, I am very excited to obviously watch the other films also. Also, matlab haan, it's just so overwhelming ki before I could like digest it and you know, and now, matlab do din pehle trailer release hua and ab do din baad the film is releasing. So, abhi I cannot have like the time to digest the whole process karne nahi ho raha hai ki haan, itna sab kuch ho gaya hai. But yeah, I'm very, very happy with the reactions. I did not expect such sweet reactions. I am very happy. What about you? सेम ईयर लाइक वाइज बिकॉज मैं थोड़ा सा डरा हुआ था पहले क्योंकि मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करना पर कभी बार ऑडियंस को नहीं अच्छा लगता बट देन व्हेन आई जस्ट पुट अ फोटो ऑन इंस्टाग्राम ऑफ माय लुक आई गॉट गुड रिव्यूज एंड आई पीपल ऑल एवरीबडी अप्रिशिएटेड इट सो फॉर मी दैट वॉज काइंड ऑफ यू नो वेरी हार्टफेल्ट
सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बस मैं अपने आपको ना देखना चाहता हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेलर के जो कट पीस देखे मैं उसी को पॉज करके देख रहा था कि कहाँ पे हूँ, ठीक है तब देखते हैं कि अभी सीरीज में हमने क्या किया है, मतलब रायता ना किया हो बस. एंड Amazon Mini TV has been making like good content for the past truly 2 years. अब 2 साल होने आ रहे हैं, 21 May 2021 में कुछ स्टार्ट हुआ था. And it like I have also worked with Amazon Mini TV, another project. It just feels so good. It feels like I'm back home. Yeah, senior. TTT also is like is home for me. So working घर के production में काम करूँ ऐसा लग रहा था. तो it was like nothing. I couldn't ask for anything else. Actually, like ये बात बिल्कुल सही है. Like the people at TTT and all the writers, makers and our directors were really amazing and extremely supportive throughout our show. मतलब in my experience, I would say कि they are like in the top 5 people that I want to work again and again with, because they are really warm and really Amazon nice. Mini TV is like yeah. for me now. Cheers to Amazon Mini TV. Thank you. हाँ मतलब दिस वॉज नॉट कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड. थोड़ा तो मेरा भी लाइफ एक्सपीरियंसेस था ही, जहाँ पे मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है मेरी, बिकॉज माई मॉम इज़ अ टीचर. तो तुम क्या इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, रहूँगी ना मैं थोड़ी सहमी सहमी घर पर. बट हाय, बिल्कुल सहमा हुआ लड़का. सो या आई मीन इट इज़ अ लिटिल रिलेटेबल फॉर मी. द कैरेक्टर रीना is a little relatable, because I will not say my parents are strict, but they are strict when they have to be, which is I think is good. So yeah, it's a little life experience also with the mirch masala, so it's fun. आई थिंक अभिषेक ने तो बोला ही होगा. अभिषेक ने कुछ भी नहीं बोला अब तक. मैं अकेले करते ही नहीं ना, हमारे ने किया है ना, तो हमारे कोट सिले हुए हैं, हम नहीं बोल सकते. बट फन, आप जैसे देख रहे हो हम सबका वाइब जो है. मैं अभिषेक से पहली बार ही मिला हूँ, पहली बार ही मैंने काम किया है, पर बहुत मज़ेदार था. एक्चुअली जब भी मैच थे हम दोनों के लिए है, मतलब जब दे मैच तो मज़ेदार था यार, बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटेड है. लेट्स सी कि कैसा रिस्पांस आता है. रिस्पांस के लिए बहुत एक्साइटेड है. आई होप लोगों को पसंद आए हमने जो भी किया है. रियल लाइफ में तो लड़कियां मुझे दूर लेके जानी पड़ती है अभिषेक से. इतनी लड़कियां हैं तो मुझे ऐसे खींच खींच के लेके जाना पड़ता है उनको कि यार अभी वो काम कर रहे हैं, यू नो, तो ऐसा सब करना. ऐसे हुआ था सर, देख लो उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया, सारी लड़कियां दूर ले जाते हैं मुझसे. नहीं अभी तक तो हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है भाई, हमें कर लेना चाहिए. गाइस बहुत ज्यादा TMI हो रहा है. सॉरी, ओके, क्या करूं मयूर के आते ही ना मैं फैल गया. ऑलराइट, ओके. They loved it. उनको बहुत मजा आया. They all are excited. Actually, मैंने कुछ कुछ पोस्ट देखे उनके जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और ये और वो. तो आई एम श्योर मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि यू नो ऐसा होता है, मेरा तो ऐसा होता ही है हमेशा. बाकी होगा मुझे नहीं पता लोग कैसे ऑपरेट करते, पर मेरा जो ऑपरेशन है थोड़ा अलग है. तो मैं थोड़ा व्यूअर्स को बस यही कि प्लीज़ वॉच आर शो. इट्स रिलीजिंग ऑन द 10th of February. जब भी मैच ऑन द Amazon शॉपिंग ऐप पे एक Amazon Mini TV का आइकन है उस पर क्लिक करो, जब भी मैच टाइप करो और प्लीज़ देख लो. इट्स देर आर 4 films. आई स्पोक फॉर बोथ ऑफ यू, टाइम मी लेटर. देर आर 4 films. जितने इसने पढ़ के बोला उतने हम दोनों पास हो जाएंगे. ये पढ़ के नहीं है, ये 4 फिल्में हैं. मेरी सबसे प्यारी है, इनकी भी अच्छी है, थोड़ी कम
और या प्लीज वॉच इट एंड प्लीज प्लीज लेट अस नो हाउ यू लाइक इट. और हिंट नहीं दे सकती क्योंकि आई नो कि अगर मैं हिंट देने गई तो मैं फुल स्टोरी बोल दूंगी और मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है कि नहीं. वो मना कर रहे हैं वहां से, दिख रहा है. हां देखो इशारे ऑलरेडी आ गए. नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, देखेंगे देखेंगे. उन्होंने बोला है कि आप एक्टर हो, आपने एक्टिंग कर दी है, स्टोरी टेलिंग हम वहां पे कर देंगे, आप वहां जाकर देख लीजिए. सो या थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय. अरे पीछे पीछे बोल तो आना होगा आगे से बात क्या ना, जल्दी जल्दी है ना, जल्दी है तेरे बताओ कौन है. हाँ मुकेश मामू. कम क्लोज ऐसा इंग्लिश में बोल रहे हैं. कुछ बच्चा Thank you. Thank you.